हाय। एक्साइटेड हूँ बिकॉज शिविन इज पार्ट ऑफ इट एंड शिविन इज अ डियर डियर फ्रेंड एंड आई स्टिल रिमेम्बर सपना सबका होता है एंड उसका ये सपना काफ़ी लंबे टाइम से था। मैं सुनती थी उसकी ट्रैवलिंग और उसके कैरेक्टर को लेके, वो जो सारी चीज़ें अपने आप को लेके प्रिपेयर कर रहा था एज एन एक्टर, बहुत सारा होमवर्क कर रहा था। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड टुडे इज द डे, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम। ऑनेस्टली आई थिंक 15 दिन भी नहीं हुए मुझे बाहर आए हुए एंड मेरे खुद के भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं अंदर आके प्लान कर रही थी, पर ऐसा हम जैसे बाहर आते हैं बिकॉज इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग लॉन्ग टाइम, 4.5 से 5 महीना, इट्स नॉट अ स्मॉल टाइम। तो मैं बाहर आई, मुझे वायरल हो गया और उसके बाद जस्ट बिकम बेटर, सो नाउ आई हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन वर्क एंड डेफिनेटली यू विल सी मी समथिंग डूइंग वेरी वेरी गुड एंड आई विल शेयर इट सून। अरे शिविन जाने से पहले बहुत सारी बातें करता था, अपेरेंटली वी टॉक अलॉट, तो पूछता था कि कैसे क्या होता है। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ खतरों के खिलाड़ी की, मुझे एडवेंचर्स बहुत पसंद है। जब तक मैंने नहीं किया था तो मुझे भी बहुत घबराहट सी हो रही थी, तो आई वॉज द ओनली वन हू यूज़ टू से दैट, अगर तूने ये शो नहीं किया ना तो तूने एक्टिंग में कुछ नहीं किया। फिर एज अ पर्सन ऑल्सो जस्ट डू इट, आई एम नॉट बीन एबल टू फॉलो एनी एपिसोड, बट अब मैं उस देखना चाहती हूँ कि उसने परफॉर्म कैसा किया, सो आई विल गो एंड वॉच इट, बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू वॉच ढीट पतंग। थैंक यू। I have no idea. Social media has sometimes have lot of answers. So I think usi platform pe aap answers dhoond lijiye, you might get it. I'm very happy that ki insaan na zindagi mein ya to bahut प्यार कमाता है, या तो बहुत पैसा कमाता है, या तो रिश्ते भी बहुत कमाता है। मैंने प्यार भी कमाया, रिश्ते भी कमाए, पैसे भी कमाया और आप सबका अपनापन भी कमाया जब मीडिया राउंड हुआ था। तो आई फील इससे बड़ा शायद कुछ नहीं हो सकता एंड आई थिंक आई एम वेरी लकी कंटेस्टेंट जिसके पास सब कुछ है आज। पर मैं कहीं गिरी नहीं, मुझे जहाँ लगा मैंने वो जवाब दिया, जहाँ मुझे लगा कि मुझे वैलिडेशन नहीं देना है मैं इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, मैं अपना चलती रही। हाँ लेकिन जहाँ मेरे रिस्पेक्ट पे काम पे और जहाँ प्रोफेशनलिज्म पे और मेरी कुछ चीज़ों को लेके बात उठती थी तो मैं जवाब भी देती थी और अपनी क्लैरिटी भी रखती थी और जब कम्युनिकेशन की बात आती थी तो मैं वन ऑन वन भी करती थी ऐसे। दैट्स फाइन। यस जब वो रिहर्सल करने वाले थे तो उसके एक दो दिन पहले हमारी बातें हुई थी एंड अपेरेंटली नॉट ओनली दिस, आगे भी वो जो कर रहे हैं प्रोजेक्ट, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर हिम, क्योंकि ये घर में जब हम थे हमने ऐसे ही अपनी एक दूसरे से बातें की थी, डिस्कस किया था, शेयर की थी फीलिंग्स एंड दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट। तो दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग, आई रियली विश हिम अ बिग 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 सक्सेस दैट ही रियली डिज़ायर फॉर हिमसेल्फ। अच्छा अभी तो मुझे किसी ने मेरे कॉम्प्लीमेंट दिया कि मेरी पीआर बहुत ख़राब है, बट आई फील इट इज़ समथिंग ऑलवेज, पीआरशिप इज़ पब्लिक रिलेशनशिप और इसके लिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, ये बहुत इजी जॉब नहीं है। कैमरे की उस तरफ की दुनिया भी उतनी ही डिफ़िकल्ट है जितनी कि आप यहाँ देखते हो, सो कूडोज व्हाट यू गाइस डू, रात रात भर जग के ट्रैवल करके अपनी सारी चीज़ों को भूल के, एंड वही मेरी पीआर भी करती है, सो प्लीज़ अप्रिशिएट दैट आल्सो। बहुत आज ही होली खेल कर आई हूँ मैं, आपको रंग बा रंग तो दिख ही रहा होगा,
So there will be one performance with Sanam Johar is going to come very soon on ZTV. Please follow it if possible. होली की ढेर सारी बधाइयाँ, रंग बिखेरे, रंग अपनी जिंदगी में भी लाए. बी हैप्पी, चेरिश एंड हैप्पी होली. सेफ होली. आर यू सीरियस? वो देखो कौन छिपा है वहाँ. कम यहाँ. छुप क्यों रहा था बे? अच्छा मैं सुना ही नहीं दिया. सॉरी. आई लव यू टू आमिर. मेरी मेरा फर्स्ट रियलिटी शो और मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस था आमिर अली के साथ. आपने पूछा नहीं फिर भी मैं बता देती हूँ. ओ गर्ल यू माइंड. और मैं इतनी डरी हुई थी बिकॉज ये नजबली के विनर रह चुके हैं. और मैं आई थिंक प्रोमो शूट कर रही थी तो उन्होंने बोला था टाइम बराबर देना क्योंकि तब ना डे नाइट शूट चलता था. तो मैं बहुत डरी हुई थी. बट आफ्टर दैट तो ही बिकेम माई फैन. सो आई वाज लाइक, मैंने बोला स्वैग तो मेरा ही है. थैंक यू जी. आई लव रवि. In fact, his first project as a producer in television I've acted, and he's a very nice person. I'm very, very, very happy for him. Okay, agar main baat karu trailer ki, ji professionalism aapko kitna hai trailer mein? Main bol raha hu ki wo bahut hi acche aadmi, bahut hi acche director hai. I worked with him in his first project as an actor. Wo produce kar rahe the us waqt, and Ravi Adhikari I'm sure has done a superb job. The kind of person he is, the kind of human being he is, I wish him all the very best. Rashmi, I love her. We share a very close bond. We've known each other for a very long time. Hum bahut saalon se dost hain, and main bahut khush hu uske liye. जी मैं बात नहीं करूंगा उसके बारे में. I've just come for Deed Parinde and Patange, and I'm very happy for Ravi. Thank you. देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे दोस्त मरकर अधिकारी साहब को. आई थिंक भीड़ पतंग, यू नो, इट्स ऑन वेब, विच इज़ द फ्यूचर. वेब इज डेफिनेटली द फ्यूचर. एंड मैं खास करके इसलिए आया बिकॉज ऑफ मरकर जी, एंड अनफॉर्चुनेटली गौतम भाई अब नहीं रहे, उनका बेटा रवि है, और कैलाश हु इज़ द प्रोड्यूसर. आई वॉन्ट टू विश कैलाश एंड रवि बोथ ऑफ देम सुपर सक्सेस इन भीड़ पतंगे. एंड being a web series, I'm sure उन्होंने बहुत कमाल की फिल्म बनाई होगी. वेब इज़ द फ्यूचर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द फिल्म. आई बिलीव इट्स अ स्टोरी ऑफ फ्रेंड्स हु आर ऑन अ ट्रैवल, और ये ऑब्वियसली इज द न्यू आइडिया, सो इट विल बी फन टू वॉच इट. नहीं, कमी नहीं. आई थिंक जैसा वक्त बदलता है, नई नई चीज़ें आती हैं, पीपल वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट विद न्यू थिंग्स. और अच्छी बात है अगर आप पुराने पुराने गाने लेते हो और नए पोशाक में उसको प्रेजेंट करते हो, तो आज की जनरेशन जिन्होंने उस गानों को सुना नहीं था वो सुनते हैं, उसका लुत्फ उठाते हैं, विच इज़ नॉट बैड. इट शुड बी डन एस्थेटिकली. और अगर वही कंपोज़र करे जिसने गाना, अगर वो है और वो कंपोज़र से करवाया जाए तो बहुत अच्छी बात है. एंड आई विश दिस होल जनरेशन ऑफ कंपोजर्स ऑल द बेस्ट. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. वक्त आएगा उसका भी सुना देंगे. थैंक यू. भीड़ पतंगे के लिए मैं आया हूँ. हाँ, चलो गा देते हैं. डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली, रंगों में है प्यार की बोली.